रहमान रहीम जी। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट डिजीज़। आज जो एक इम्पॉर्टेंट से टॉपिक्स हैं हेयर फॉलिंग, जो कि हमारी इन्वायरमेंट में कॉमन से और इसकी डिफरेंट वजह है हेयर फॉलिंग की। एक तो जेनेटिक्स हो सकते हैं या डिफरेंट फैक्टर की वजह से या मिसयूज की वजह से, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करने की वजह से हेयर फॉल हो जाते हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट जो 80% जो इश्यू है, जो कि एज से पहले बालों का गिर जाना और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। इसकी मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर फॉल्स मेल की हम अगर बात कर ले तो इसमें हम बात करते हैं, इसमें हम टैबलेट देते हैं, हेयर फिन देते हैं, ठीक है। हेयर फिन देते हैं 1 mg वंस डेली 3 मंथ तक, है ठीक है। हम इसको हेयर फिन देते हैं, ठीक है। टेबलेट हेयर्स विटामिन देते हैं, ठीक है, 2 मंथ्स के लिए, या हेयर स्प्रे देते हैं, मेनोक्साइडिल देते हैं 5%, ठीक है, ठीक है, नाइट टाइम पे, जो कि 3 मंथ्स इसको यूज़ करना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इफ डैंड्रफ, ठीक है, अकॉर्डिंगली, ठीक है, कोजिक शैम्पू देते हैं। इफ नॉट कंट्रोल, फिर भी कंट्रोल नहीं हो तो मेडिकेशन की तरफ हम चलते हैं, मस्ट डन्स हेयर ट्रांसप्लांट। लास्ट में हम अगर ये सारे देने के बाद अगर ठीक ना हो तो फिर हम इसकी क्या करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। फीमेल की अगर हम बात करें इसकी मैनेजमेंट की, तो हम ऑल एबो मेडिकेशन, ये सारे ऊपर जो मेल के लिए जो प्रिस्क्राइब किए टैबलेट जो मेडिसन्स वो सेम ही होता है, ठीक है, एक्सेप्ट हेयर पिन टैबलेट के सिवा बाकी सब सेम फीमेल को भी दे देते हैं। हर्ब्स जोस्टर की अगर हम बात करें, ये भी एक डिजीज़ है, ठीक है, फीमेल्स में, ठीक है। फिर लास्ट जो ऑप्शन रहता है इसमें भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सके, ठीक है। हर्ब्स जोस्टर की अगर हम बात करें, ये डिजीज़ इसकी मैनेजमेंट की हम अगर बात करें तो इसमें हम किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसकी क्लीन लेशंस करके, ठीक है, 4 to 6 टाइम डेली, ठीक है, पस को अराउंड रेडनेस को, ठीक है, और म्यूफरीन क्रीम देके, ठीक है, हम इसकी क्या करते हैं, या म्यूपोरिसिन से जो कि ऑइंटमेंट है ये देके हम इसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एग्मेंटीन देते हैं 625 mg की, ठीक है। फिर हम इसके हर्ब्स जोस्टर की हम डिजीज़ की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एलायरोस टैबलेट हैं, ये देके हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सारे थे। अगर सिम्टम की बात करें तो इसकी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें वन साइड स्क्रैपिंग पेन होता है, टाइनिंग्स होता है, ईचिंग्स हो जाते हैं, बर्निंग होता है, स्टीनिंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, फीवर होता है, चिल होता है, हेडेक होता है, बॉडी एचिंग होता है, ठीक है, फ्लूइड फिल होता है जिसमें इस्टर होता है रेड टिपिकली, ठीक है। फिर इसके बाद ऑन फोर्स टोर्स में, ठीक है, हमारी टोर्स साइड पे, फोर्स साइड पे, ठीक है, ईटिंग रेस्ट रेडनेस ही स्टार्ट होती है। ये सारे इनके ट्रीटमेंट के लिए हम सारे देते हैं, इसकी मॉर्फिन ऑइंटमेंट देते हैं या इसकी क्रीम देते हैं, टैबलेट देते हैं, फिर इसकी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सारे थे हर्पेस जोस्टर्स और हेयर फॉलिंग से इन मेल एंड इन फीमेल। फिर हम नेक्स्ट मिले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिफरेंट डिजीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।